नमस्कार साथ आपके मैं ऋषा सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी दोनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी कोई उनकी जीप काट के लाने की बात करता है तो कभी उन पर केस दर्ज हो जाते हैं। अभी नया नवेला मामला क्या है, किस मामले पर उन पर हो रहा है केस दर्ज, चलिए जानते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर मामला जो है पुलिस तक पहुंच गया है। सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा नेता अमरजीत चावड़ा की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। उधर दिल्ली में भाजपा सिख प्रकोष्ठ के संयोजक चरणजीत सिंह लवली ने तिलक नगर थाने में शिकायत पत्र दिया। उनके आरक्षण खत्म करने को लेकर बयान के विरुद्ध में दिल्ली भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के संयोजक CL मीणा ने संसद मार्ग थाने में और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ग्यारह ने पंजाबी बाग में जो है वहां के थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग किए जाने को लेकर राहुल गांधी पर विधिक कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने गुरुवार को भोपाल में क्राइम ब्रांच थाना MP नगर पहुंचकर FIR दर्ज करने और शिकायती पत्र भी दिया है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राहुल के बयान से सिखों के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों में रोष है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों अमेरिका में कहा था कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं है, उनके आरक्षण को लेकर भी विवादास्पद बयान उन्होंने दिया था। वही हिमाचल में भी भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश डोगरा ने छोटा शिमला थाना में राहुल गांधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का जो है निवेदन पत्र दिया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार चर्चा में बने हुए, कभी उनको धमकी दी जाती है, कभी कांग्रेस पत्र लिखती है, अभी इस दौरान BJP पत्र लिख रही है, क्या राय आपकी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार।